मेवात के एनएचएम कर्मचारियों का धरना रविवार को 13वें दिन भी जारी रहा। इस दौरान तकरीबन सैकड़ों कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं एनएचएम के 8 कर्मचारी भूख हड़ताल पर भी बैठ गए हैं। वहीं हड़ताल के 13वें दिन एनएचएम कर्मचारियों ने शहीदों के सम्मान में कैंडल मार्च निकाली, तो इसके साथ साथ उन्होंने सरकार पर भी निशाना साधा कि उनकी मांगों को लेकर सरकार जरा भी संजीदा नहीं है। वहीं हड़ताल के समय को अब 20 फरवरी तक बढ़ा दिया गया है। ये उम्मीद की जा रही है कि 20 फरवरी तक सरकार उनकी मांगों को शायद पूरा कर दे। देखिए, आपको भी पता है अभी देश में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है। हमारे सीआरपीएफ के जवान नाहक जो है मारे गए हैं। सबसे पहले एनएचएम कर्मचारी होते हुए हम उनको नमन करते हैं, उनको शत शत नमन करते हैं और उम्मीद करते हैं कि ऐसा हादसा दोबारा ना हो और मरने वाले की फैमिली को हमारा पूरा सपोर्ट है और अल्लाह उनको सब्र अता फरमाए। तो उनके लिए हमने एनएचएम कर्मचारियों ने अलग अलग ज़िलों में बहुत सारी एक्टिविटी हुई हैं, तो हमने भी अपने ज़िले में कल रात को कैंडल मार्च निकाला है और उनके बदले की मांग की है। एनएचएम की हड़ताल के बारे में ये कहना चाहूँगा कि ये हमारा आज 13वां दिन है और 13 दिन की आज सफल जो है हड़ताल हमारी हो चुकी है। इस बीच में एनएचएम कर्मचारियों ने मुंडन भी करवाया है और भूख हड़ताल पर भी बैठे हैं और अब तो नौबत यहाँ तक आ चुकी है कि एनएचएम कर्मचारी आमरण अनशन पर भी बैठने के लिए मतलब तैयार हैं। लेकिन इतनी सारी एक्टिविटी होते हुए भी सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है। वो अपना वैसे ही अड़ियल रवैये पर है जैसे वो पहले से है, और जबकि होना ये चाहिए कि इतने सारे स्वास्थ्य कर्मचारी जब हड़ताल पर हैं तो आप सोच सकते हैं कि स्वास्थ्य सुविधाओं का क्या हाल हो रहा होगा। गरीब आदमियों को इलाज नहीं मिल रहा है, कहीं मौतें हो रही हैं, कहीं कुछ हो रहा है, बुरी तरह से प्रभावित हुई पड़ी है। आपको बता दें कि एनएचएम कर्मचारी कई महीने के बकाया वेतन से लेकर जॉब की गारंटी चाहते हैं। अल आफिया सामान्य अस्पताल मांडीखेड़ा में एनएचएम के सैकड़ों कर्मचारी कामकाज छोड़कर इसी मांग को लेकर पिछले कई दिन से हड़ताल पर है। जी, हमारा 4-5 घंटे का रास्ता है, यहाँ 10 साल से सर्विस दे रहे हैं हम लोगों को और मतलब दिन रात डिलीवरी हट में लगे रहते हैं। जच्चा बच्चा के लिए इतनी सुविधाएं दे रहे हैं लेकिन सरकार इतने साल से कुछ भी नहीं करे। बायलॉज दिए थे, वो सैलरी अब तक नहीं मिली है। 13-13, 14-14 हज़ार में लगे हैं 10-10 साल से, बायलॉज की सैलरी आज तक नहीं मिली है। बायलॉज लागू कर दिए, क्या फ़ायदा उसको बताओ जब सैलरी हमें नहीं मिल रही है। तो कब तक ये धरना जो है चलता रहेगा? ये धरना जी हमारा जब तक चलता रहेगा जब तक हमारी मांगे पूरी ना हो। कुछ भी हो जाए, चाहे सरकार अड़ी रहे, हम भी अड़े हुए हैं, जब तक नहीं उठेंगे इस दरी से तब तक हमें कुछ मिल नहीं जाएगा यहाँ से। वहीं बिना स्टाफ की वजह से स्वास्थ्य सेवाएं भी बुरी तरह से प्रभावित है। अब देखना होगा कि प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज एनएचएम कर्मचारी संघ की इस हड़ताल को कितनी संजीदगी से लेते हैं। देखना ये भी होगा कि क्या सरकार कर्मचारियों की मांग मानकर उनकी मांगों को पूरा करती है। सत्य खबर के लिए नुह मेवात से एके बघेल की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।